Hello guys, I'm Swetik on YouTube. Today I'm going to play again Ages of Conflict World War Simulator. And we saw in the last video how India vs US was won, India won and the US lost. But in that time, he changed his kingdom. He was first here at this place, then he came here, and finally India was defeated. But after that, there were so many revolts in North America that the situation was bad. You can see one. 2, 3, 4, 5, 6, 7 है जो नहीं आप देख सकते रिवोल्ट हो गया। और क्या अब इंडिया का क्या हाल हुआ, क्योंकि इंडिया ने लास्ट वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि इंडिया रशिया की इतनी पुरानी दोस्ती टूट गई और इंडिया ने रशिया को एनेक्स कर दिया ऑफकोर्स। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, तो अब क्या करें, इंडिया जो है वो अभी ग्रीनलैंड से पीस पे, तो ऑफ कोर्स सोलेडाइट को अटैक ही करेगा। और ये अब बहुत सारी आर्मी है ये। ओके, यहाँ पे एज के मुकाबले एल्फ नाम देना पड़ेगा हमें, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसको नाम देने की मेहनत नहीं करना चाहता। ओके ओके, यहाँ पे भी मिक्सचर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो रहा है। वैसे यूएस के अंदर रिवोल्ट्स मैंने ही कराए थे। ओके ओके ओके, कुछ लैग मारी है मेरे को, सही से कुछ दिख नहीं रहा। ओके, इंडिया में रिवोल्ट हुआ और बहुत ही गलत वाला रिवोल्ट हुआ, क्योंकि साउथ अमेरिका पूरा छिन गया, साउथ अफ्रीका सॉरी। ओके, साउथ अफ्रीका का ही नाम देंगे हम इसको, और इंडिया इसको अटैक कर देगी, ऑफकोर्स ख़त्म करेगी, ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं देगी भाई। इंडिया ने तो बहुत अच्छा अपना रोल कर लिया, पूरा वर्ल्ड इंडिया का होगा वो जब तक वो लोग थे। इंडिया की दोस्ती है ग्रीनलैंड से और इंडिया ख़त्म कर रही है हालांकि 100 साल कर जी गई कंट्रीज, पर फिर भी मैं इनको रीनेम करने की मेहनत नहीं करूँगा। आफ्टर ऑल इंडिया खत्म करना है इन सबको। ओह, ग्रीनलैंड ख़त्म हो गया, अब क्या करें, इंडिया अलग बन जाएगी, न्यू लीग तो नहीं बनने वाली। ओके गाइस, एंड हियर्स द विनिंग ऑफ इंडिया। मतलब जब तक कोई रिवोल्ट नहीं होता तब तक तो हाँ। एंड गाइस, यू कैन सी इंडिया ने पूरा वर्ल्ड अपने हाथों में ले लिया। एंड अभी तक 2023 तक हम रुकते हैं, अगर 2023 तक कोई रिवोल्ट नहीं हुई देन वी विल डिक्लेयर इंडिया एज अ विनर। मुझे लगता है कोई ना कोई रिवोल्ट तो होगी, पूरी दुनिया जीत लिया आखिरकार इंडिया ने। वैसे वैसे बता दें, बस गेम के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई सीरियसली मत ले लेना, गेम के लिए है ठीक है। 2023 तक मतलब बहुत टाइम, अभी 1779 आया, फिर भी एक बार फोकस करते देखते, पॉज नहीं करते इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ऑलमोस्ट 16-17 बेसिस हैं इनके पास। एक्स्ट्रा साइज तो चलो पूरा ही है, मैक्सिमम साइज भी इसी के पास होगा, लेकिन यूएसए और उसके बाद रशिया और अर्जेंटीना पर ये हेल टॉप, जिसको मैंने कभी नियम करने की मेहनत भी नहीं की। एज वाइज तो ऑफकोर्स इंडिया के बाद यूएसए आता है, और अर्जेंटीना, रशिया के साथ इंडिया ने गलत किया, पर ऑफकोर्स आफ्टर ऑल एंड में कोई ना कोई तो विनर निकलना था। अच्छा हुआ उस समय डिस्ट्रॉय कर गया था, क्योंकि यूएसए दूर का दोस्त था, लेकिन दूर का दुश्मन था, लेकिन रशिया पास का दोस्त था, जो कि गलत हो सकता था, क्योंकि एंड में आपस में दोनों लड़के ऑफकोर्स इंडिया ही ख़त्म होती, और इंडिया का एक बार ओके रिवोल्ट चांसेस जीरो है, फिर मैं किस चीज़ की वेट कर रहा हूँ। इंक्रीज्ड अपॉन डिक्लेयरिंग अ वॉर स्लाइटली अपॉन बीइंग अटैक्ड, भाई ना अटैक्ड होगा ना कुछ होने वाला तो, लेकिन हाँ रिवोल्ट। 26 एनेक्स नेशन है जिसके अंदर कितने रिवोल्ट्स भी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके 13 रिवोल्ट्स हुई है, और बाकी सब खुद नए
नहीं, किस रिवॉल्ट्स हुई है? 107 जंग लड़ी है इंडिया ने, एंड आफ्टर ऑल। अच्छा, हम कर भी तो सकते हैं ना। हाँ तो हम कर सकते हैं, रिवॉल्ट हम कर भी तो सकते हैं। इतनी जल्दी तो वीडियो नहीं ख़त्म करूँगा मैं। बस एक ही रिवॉल्ट होनी थी। ए भगवान, थोड़ी सी और रिवॉल्ट्स करो यार। मेरे को चेन ऑफ रिवॉल्ट्स थोड़ा सा लंबा खींचता अच्छा लगता है। ख़त्म हो गया तो 2 मिनट में ख़त्म हो गया। ऐसा ऐसा रिवॉल्ट नहीं चाहिए मेरे को, अच्छा सा रिवॉल्ट दो। बड़े यार बहुत छोटे छोटे रिवॉल्ट, 4-5 एक साथ दो ना तो मज़ा आता है। फिर जितने भी रिवॉल्ट्स होंगे सब खत्म हो जाएंगे। इंडिया ऑफ कोर्स मेरा इंडिया। ओके 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 ओके, कूल कूल। यूएस की वापसी हो गई है गाइस। न्यू, बस न्यू। अच्छा, खुद ही कह रहे हैं न्यू, आगे आप नाम लगा लो। न्यू यूएसए और ये न्यू कैनेडा। जो ख़त्म हो गया यहाँ पे, जो भी था ख़त्म हो गया यहाँ पे, भी ख़त्म होने वाले हैं। और रिवॉल्ट्स कर देते हैं हम थोड़े से। भाई कितनी रिवॉल्ट्स कर दी मैंने एक साथ? 5 रिवॉल्ट्स कर दी और पूरा 9 समय का हाथ से निकल गया। गाइस अब मज़ा आएगा क्या? क्या एक मेजर सुपर पावर बनने के बाद क्या इंडिया वापस से अपने कोशिश करके ले पाएगी वापस अपने पूरे वर्ल्ड को? इसको क्या नाम देंगे हम? ये होगा अमेरिका, सेफ अमेरिका, मेजर अमेरिका इसी के पास है इसलिए। माइनर टर्न ये होगा अलास्का। तो चलो इसको तो नाम देते हैं हम, इसको अलास्का देते हैं नाम, अलास्का। इसको हमें देना पड़ेगा कोई फिक्शनल नाम, हम दे देते हैं अमेरिक्वा। ये तो भाई साउथ अमेरिका ही बना है, तो लेकिन साउथ अमेरिका से अच्छा हम नाम देंगे इसको साउथ अमेरिका। अमेरिका पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ये तो खत्म हो गया। ए भाई इंडिया ख़त्म कर इसको, तो इतने छोटे से को मैंने नाम दे रहा भाई। क्या हो गया एकदम से? वैसे जितने भी रिवॉल्ट हुए ज़्यादातर पूरा उसी में हुआ है ताकि ख़त्म करने के लिए। इंडिया भाई इसको ख़त्म करने के लिए छोटा सा छोड़ा हुआ है। इंडिया अब रुक गया, लड़ नहीं रहा, कह रहा है भाई तुम लोग लड़ लो, जब तुम्हारा हो जाए तो बता देना। ओके, साउथ अमेरिका एक बहुत मेजर नेशन बन के उठा है। 7th नंबर पर ओवरऑल, तो क्यों ना भाई ऑफकोर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वन के साथ ही दोस्ती कर दी जाए। लड़ने से क्या फ़ायदा, दोस्ती करो। इंडिया साउथ अमेरिका का कोई एक नहीं है कॉमन एनिमी। ओके अब है अमेरिका, अमेरिका क्या चल रहा है भाई? इंडिया के रिवोल्ट चांसेस है 2%, यानी अब तो कोई रिवोल्ट नहीं होगी। नहीं, अमेरिका तो ख़त्म हो गया, अमेरिका न्यू से बच्चे। ओके भाई ख़त्म करो अमेरिका को। ओके न्यू यूएसए साउथ अमेरिका या जो भी नाम था, अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे ओके ये होगा मेजर वॉर स्पॉट नॉर्थ अमेरिका एज ऑलवेज। एक और बार नहीं भाई, रुकना नहीं है, अटैक करना है यूएसए को, अमेरिका को भी, अलास्का को भी, सबको ख़त्म करना है अब, ताकि एक मेजर वॉर लड़ सके अब हम, जो होगा साउथ अमेरिका के। अभी तक नॉर्थ अमेरिका पे हम लड़ रहे थे, वैसे मोस्टली पूरी दुनिया में ही लड़ी जा रही थी जब वो ग्रेट वर्ल्ड वॉर हुई थी यूएस वर्सेस इंडिया के बीच में। वो अफ्रीका में भी हुई थी, यूरोप में, और मेजरली एशिया में हुई थी। लेकिन फिर जब उसके अंदर रिवॉल्ट्स हुए बहुत ज़्यादा, तो फिर आखिरकार यूएस में आके वो ख़त्म हुई थी। नॉर्थ अमेरिका में आके यूएस आ गया। अलायंस वोकन, ओके अलास्का अमेरिका के बीच की अलायंस ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर ये इसका बड़ा फ़ायदा हो गया इंडिया को, और अमेरिका ख़त्म हो गया, अलास्का बचा। अब इंडिया जो है अटैक करेगा अलास्का को, इतने छोटे से एरिया को छोड़े भाई, पूरी दुनिया का राज करने वाला है वो।
ओके 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 लैग मार गई। ओके अलास्का रुक एक सेकंड, इंडिया भाई अलाइंस कैसे तोड़ दी तुमने भाई? साउथ अमेरिका तुम अलाइंस से तोड़ सकते हैं, ये क्या बात हुई यार? पीस तो मेंटेन कर रहा भाई वो भाई, ये चीटिंग है। माना इंडिया को तुम्हें वापस से कैप्चर करना है, तुम इंडिया से ही निकले हो, इसमें नहीं किया तोड़ दो। देखो मैं कॉमन एनिमी है यार हमारा, कॉमन एनिमी को ख़त्म करते हैं हम, आपस में क्या लड़ना, जब कॉमन एनिमी ख़त्म हो जाएगा तो बात कर लेंगे आपस में। ओके न्यू यूएस यूएसए साउथ अमेरिका द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ, अब होगा अटैक साउथ अमेरिका पे। ओके नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंडिया की बहुत अच्छी एंट्री दिखी, और वाटरवेज अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में भी जो है आ रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका से ज़्यादा अच्छी एंट्री ले चुके हैं साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका वापस से कम बैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा। और क्या इसका मतलब, इंडिया इकलौती, ओ 2023 हम पार कर गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्या साउथ अमेरिका रोक पाएगा इंडिया को? ओके थोड़ी सी पीस हुई क्योंकि यहाँ पे एक रिवोल्ट हुई थी जिसका नाम है टस्क फोक। इंडिया के अंदर चांस है 0%, लेकिन साउथ अमेरिका में रिवोल्ट का चांस है 31%। पर क्या यहाँ पे, अरे भाई इंडिया तूने क्यों वॉर रोकी, तू तो कर, तेरा तो फायदा ही हो रहा है, दुश्मन के दुश्मन दोस्त होता है। और यहाँ पे एक और बार साउथ अमेरिका बच गया, नहीं बचा, एक और बार गाइस इंडिया के हाथ में आई जीत। और अब तो रिवोल्ट, वैसे वीडियो का टाइम हो गया है, 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है, विच आई कैन ठीक है मेरे, पर रिवोल्ट तो बनती है, थोड़ी सी रिवोल्ट करके जाते हैं, इतनी छोटी रिकॉर्डिंग भी सही नहीं है क्योंकि वो पिछले वीडियोस में बनी 25-25 मिनट की रिकॉर्डिंग, और अब इतनी छोटी सी बन जाए ऐसा नहीं हो सकता भाई, रिवोल्ट ही नहीं हो रही। एलआई किसको एलआई बनाएगी, कोई नेशन ही नहीं है, अकेली बची है अब इंडिया। अटैक भाई, अभी इसने भी मना कर दिया रिवोल्ट करने से, तो अब अकेली बची किसको अटैक और एलआई बनाए। फिर भी दो बार ग्रेट वॉर्स लड़ ली, एक नॉर्थ अमेरिका के साथ, एक साउथ अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के साथ। बहुत सारे मेजर किंगडम्स को भी इसने, क्या कहते हैं, इंडिया ने बहुत सारे मेजर किंगडम्स को भी एनेक्स किया, तब जाके बनी। यहाँ पे अब रिवोल्ट का ऑप्शन ही नहीं देना, मैं करूँ अब एलाई किसके साथ बनाऊँगी, अपने साथ ही एलाई बना लूँ, अपने ऊपर ही अटैक कर लेता हूँ, मैं सिविल वॉर कर लेता हूँ, अपने ऊपर ही अटैक कर लेता हूँ भाई, क्या रिवोल्ट ही बटन देना बंद कर दिया। गाइस लगता है ये भी थक गया है और ये वॉर नहीं करेगा, रिवोल्ट का बटन ही नहीं आ रहा, तो गाइस क्यों ना इस वीडियो को इसी नोट पे ख़त्म किया जाए। गाइस इसको बुरा मत मानना, बस ऐसे ही फन के लिए था, एंटरटेनमेंट के लिए था, अभी एंटरटेनमेंट के लिए तरह ही रहना, और फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हैं, इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा किंगडम पूरे वर्ल्ड का लीडर बन के निकला। तो चलिए गाइस आज के वीडियो इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जानस वाले वो होता ना वो टेनिस बॉल, नहीं टेनिस बॉल नहीं, हाँ सब्सक्राइब वो करते जाना चाहता, वीडियो अच्छी लगी लाइक भी करना, शेयर भी करना, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और फिलहाल तो ये खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको चाहिए हो ऐसी सीरीज तो कमेंट्स में बताना, और मेरे को वैसे भी कोई कमेंट नहीं करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, अगर मेरा मन किया तो मैं ले आऊँगा। और एनेक्स नेशन 35-32 तो रिवोल्ट ही करी है। ओके तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मैम नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या।